बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ टुबेर मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आपको अपनी बहन के पकोड़े दिखाने जा रही हूँ जो कि हम अभी बनाने लगे हैं। ओके जी, तो इसके लिए आपको लेना है एक बड़े से साइज़ का टमाटर, एक दरमियाने साइज़ का प्याज और चार हैं ये सब्ज मिर्चें। वैसे सब्ज मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हैं जी 6 उबले हुए आलू। ये बेसिकली हमने चाट बनानी थी, जो बेचारे चाट के लिए रुलते रहे, चाट नहीं बनी, तो फिर हमने कहा कि हमने नहीं कहा, मेरी बहन ने कहा कि चलो इसके हम पकौड़े बना लेते हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं उबले हुए आलूओं के पकौड़े, जो कि आपने पहले यकीनन कभी नहीं सुने होंगे और खाए तो डेफिनेटली नहीं होंगे। हमने भी आज ही सुने और हम आज ही खाएँगे। और फिर उसके बाद आपने ये सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर मिक्स कर देनी है। और वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे जी स्पाइसेस, और वो हम देखते हैं कि हमारी बाजी इसमें कौन से स्पाइसेस डालती हैं। ओके जी, तो अब हम आ गए हैं किचन में और अब डालने लगे हैं स्पाइसेस। ये हो गया नमक 1 टेबलस्पून। यस ओके, हसबैंड जरूर दीप्ति साहब। 1 टेबलस्पून हो गया मेथी का। वैसे ये तो हाथ से डाल रही है, मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि ये 1 टेबलस्पून होगा। और अब ये डालने लगा है बेसन। कितना बेसन होगा? 1, 2, 3, 4। ये तो टेबल स्पून तो नहीं थे, लाइक काफ़ी ज़्यादा था, टेबल स्पून के ऊपर पूरा ट्रक भरा हुआ था। तो आप समझ लें कि ये जी 10 to 12 या फिर चले हाँ 8 to 10 टेबल स्पून है बेसन के। और इसको मिक्स करने गरम मसाला नहीं डालेंगे। चलो डाल देती तो अच्छा था। ओके जी, स्पाइसेस में अब हम और कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। पता नहीं ये कैसे पकौड़े बनेंगे। गर्म है क्योंकि और अभी गर्मियाँ हैं, तो गर्म चीज़ें यूज़ नहीं कर रही। ओके, मैं तो खैर भर भर के डालती हूँ हर चीज़ में गर्म मसाला। लेकिन अब जी बस इसमें आपने पानी डाल के इसका अच्छे से बैटर बना लेना है। बैटर नहीं मतलब जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं डो बना लेनी है, और फिर बस हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब फ्राई करने लगोगे तो मुझे बुला। हाँ, वैसे ये सर इनको समोसे भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें बॉइल्ड पोटेटोज हैं। आहिस्ता आहिस्ता डालो। और साकिब, एज अ प्रूफ मैं आपको बताती चलूँ कि साकिब टेस्ट भी कर चुका है, क्योंकि वो बेचारा थोड़ा बहुत भूखे हैं, तो जैसे ही थोड़े से पकते हैं वो खाने शुरू कर देते हैं, और वो कह रहा है कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि इनका टेस्ट कैसा था। समोसा लाइट। ओके चलो, और नहीं निकलेंगे हम, और भी पकौड़े डलते हुए तलते हुए देखना चाहते हैं। नहीं नहीं, हम जाएं, हम इनकार समझेंगे। स्कूल में आना। ओके, विल वेट। मैं एक बात सोच रही थी कि इस तरह से व्लॉग बनाना वैसे कितना आसान और मज़े का काम है, कि लाइक आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आप कैमरा पकड़ के खड़े हुए और आपको सिर्फ बोलना है, बातें करनी है, जो कि वैसे ही मेरा बड़ा फेवरेट काम है। ओके जी, हमने तो ये वाले पकोड़े, हाँ पकोड़े कभी बनाए नहीं, हम पहली दफ़ा बना रहे हैं। तो साकिब है सजेस्टेड अ न्यू नेम फॉर दिस रेसिपी, कि ये समोसा लाइट है क्योंकि इसमें उबले हुए आलू थे, तो हम इसको समोसा लाइट भी कह सकते हैं। सो गाइज, उबले हुए आलूओं के पकोड़े जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।